धनानंद का एक बहुत ही प्रसिद्ध सवैया, इसकी व्याख्या मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। व्याख्या प्रस्तुत करने से पहले इसको आप लोग मेरे साथ सुर में सुर मिलाकर गा लीजिए, और उसके बाद एक एक पंक्ति पर पहले हम संदर्भ बताएंगे कि संदर्भ में यह सवैया है, और तब हम उसकी व्याख्या करेंगे। चलिए गाइए, एक दो एक दो। झल के अति सुंदर आनन गौर, छक दिग राजत काननी छय, हसी बोलन में छवि फूलन की, पर साउर ऊपर जाती है। लट लोल कपोल कलोल करे कल कंठे बनी जल जावली द्वय, अंग अंग तरंग उठे द्युति की, परी है मनोरूप अवैधर जय। घनानंद के बारे में आप सब जानते हैं कि वह अपनी प्रेमिका सुजान से बेपनाह मोहब्बत करते थे, और रीति मुक्त काव्यधारा या रीति काल के काव्यधारा के कवियों की एक बड़ी विशेषता रही है कि उन्होंने सौंदर्य का भरपूर चित्रण प्रस्तुत किया है। इस सवैया में घनानंद ने सुजान का जो रूप सौंदर्य है वह कितना खूबसूरत है, कितना अप्रतिम है, कितना अद्वितीय है, उसका वर्णन किया है। इस पूरे सवैया में घनानंद सुजान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान दें, पहली पंक्ति क्या कहते हैं, झल के अति सुंदर आनन गौर। आनन कहते हैं मुखड़ा को, गोरा मुखड़ा, जो कि क्या है, अति सुंदर है, चमकीला है। छक दृग राजत काननी छय, दृग कहते हैं आंखों को, और छके यौवन, यौवन से मतमाई हुई आंखें। काननी छय, कानों को छू रही हैं, यानी कि बड़ी बड़ी आंखें हैं। फिर से एक बार देखें, प्रेमिका जो सुजान है उसका मुखड़ा, ठीक है, गौर वर्ण का गौर, गोरा मुखड़ा इतना सुंदर है, अति सुंदर है, जो चमक रहा है, झलक रहा है, उसकी आभा बहुत ही अद्वितीय है, और उसकी आंखों के क्या कहने, यौवन से भरी हुई उसकी आंखें, लगता है कि उसकी कानों को क्या कर रही हैं, छू रही हैं, यानी कि उसकी आंखें क्या हैं, बड़ी बड़ी हैं, वह विशालाक्षी है, स्पष्ट है। फिर कहा, हंसी बोलन में छवि फूलन की, कहना ही क्या, जब वह हंस करके बोलती है तो ऐसा लगता है कि क्या हो रही है, फूलों की बारिश हो रही है। कहां, उर ऊपर जाते, ठीक है, कि उसका हंस करके बोलना इतना सुंदर होता है, इतना प्यारा होता है, कि जैसे लगता है कि हृदय पर, दिलों पर फूल की क्या हो रही है, बारिश हो रही है। उस रूप सौंदर्य को देख करके कवि मुग्ध हो जाता है, हंसकर उसके बोलते हुए को देख करके कवि मुग्ध हो जाता है, और कहता है, हंसी बोलन में छवि फूलन की, लगता है कि फूलों की छवि निखर आई है, और दिलों पर क्या हो रही है, फूलों की बारिश हो रही है, स्पष्ट है। उर कहते हैं हृदय को, ठीक है, हृदय के ऊपर। आगे बात समझ में, आगे कहा, लट लोल कपोल कलोल करें, लट उसके बाल, ठीक है, जो चंचल लटे हैं उसकी, उसके गालों पे बिखर आई हैं, और ऐसे लगता है कि उसके बाल जो हैं, केश जो हैं, उसके गालों से क्या कर रहे हैं, अटकेलियां कर रहे हैं, वो बार बार अपने गालों से क्या करती है, बालों को हटाती है, और यह दृश्य इतना प्यारा लगता है कवि को, और ऐसा करते हुए इतना सुंदर प्रतीत होती है, इतनी प्यारी लगती है, और साथ ही साथ कल कंठे बनी जल जावली द्वय, जल जावली कहते हैं मोतियों की माला को, और द्वय, द्वय मतलब दो, साथ ही साथ गले में उसने दो मोतियों की क्या की है, माला पहनी हुई है, और इस तरह से उसका जो पूरा रूप सौंदर्य है इतना अप्रतिम है, इतना अद्वितीय है, कि कवि आगे कह रहा है, अंग अंग तरंग उठे दुति की, उसके प्रत्येक अंग से, अंग अंग से रूप सौंदर्य की चमक बिखर रही है, ऐसा लग रहा है कि उसका रूप, उसके प्रत्येक अंग से रूप सौंदर्य की जो चमक है उसकी लहरें उठ रही है, जैसे कि पानी में लहर उठती हो, वैसे ही सौंदर्य की लहर उसके अंग अंग से उठ रही है, और ऐसा लगता है, परी है मनोरूप अवैधर चय,
ऐसा लग रहा है कि वह सौंदर्य चू जाएगा, धरती पे गिर पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी पेड़ में बहुत पके हुए आम को देखें जो बहुत सुंदर है, और उस वह इतना पक चुका है, अपनी पूर्ण पराकाष्ठा को वह पा चुका है, और ऐसा लग रहा है कि अब वह धरती पे चू जाएगा, गिरने ही वाला है। या फिर किसी पात्र में, किसी बर्तन में लबालब भरा हुआ पानी एकदम लबालब भर गया है, तो क्या होगा, अब वह पानी क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। सुजान सौंदर्य से इतनी लबालब भरी हुई है कि कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि अब वह सौंदर्य क्या हो जाएगा, धरती पे गिर जाएगा, धरती पे चू जाएगा। तो प्रेमी ने अपनी प्रेम की निगाहों से, अपने दिल की आंख से अपने अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, और सौंदर्य वर्णन रीतिकाल की के कवियों की एक प्रमुख विशेषता भी है, एक प्रमुख प्रवृत्ति भी है। तो इस पूरे सवैया में घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। वह इतना अप्रतिम है, इतना खूबसूरत है कि निगाहें उस पर नहीं टिकती, और ऐसा लगता है कि वह रूप सौंदर्य से इतनी मदमाती है, इतनी भरी हुई है कि ऐसा लगता है कि वह सौंदर्य क्या होगा, धरती पे गिर पड़ेगा। स्पष्ट है प्यारे बच्चे? किसी भी पंक्ति में कोई अर्थ जो आपको समझ में न आया हो, आप समझना चाहते हो? घनानंद का एक महत्वपूर्ण सवैया भोरे ते सांझ लो। इस सवैये में घनानंद एक स्थिति का जिक्र कर रहे हैं जहाँ पे नायिका, इस सवैये को दो अर्थों में देखा जा सकता है कि एक तरफ नायिका अपने प्रेमी के आने की प्रतीक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ यह रचना भक्ति भाव की भी रचना है जिसमें कवि इस पूरे सवैये को कृष्ण को समर्पित कर देता है। ठीक है, कृष्ण की प्रतीक्षा की बात आती है, मोहन का यहाँ स्पष्ट वर्णन है, यहाँ पे मोहन शब्द आया है। तो यहाँ इस सवैये में एक जो इंतजार है प्रेमिका को, या भक्त को अपने ईश्वर का जो इंतजार है, उसी इंतजार का वर्णन है कि उस ईश्वर को या प्रेमी को पा लेने के बाद भी वह इतना प्रसन्न हो जाती है प्रेमिका कि उसकी आंखें आंसू से, प्रसन्नता की आंसू से उसकी आंखें भर जाती हैं, और जिस प्रेमी या जिस ईश्वर के आने की प्रतीक्षा वह कर रही थी उसे ठीक से देखने का भी वह अवसर गंवा देती है। वह प्रेमिका या वह भक्त उस अवसर को क्या कर देता है, गंवा देता है। चलिए गाइए मेरे साथ, इसकी व्याख्या करेंगे। भोरे ते सांझे लो कानन होरे निहारती बावरी निकुन हारती, सांझे ते भोरे लो तारन ताकी बो तारनी सोविक तारन तारती, जो कहूँ भाव तो दीदी परे घन आनंद आसुनी अवसर गारती, मोहन सोहन जोहन की लगी रहे आखिन के उर आरती। कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेमिका जो है या भक्त जो है, मैंने शुरू में ही बता दिया कि यह भक्त के लिए भी कविता है जो अपने ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहा है, कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा है, और प्रेमिका जो अपने प्रिय के आने की प्रतीक्षा कर रही है। तो प्रतीक्षा में भोरे ते सांझे लो कानन ओर निहारती बावरी नेकू नहारती, भोर से सांझ तक, कानन कहते हैं जंगल को, उस जंगल के रास्तों की तरफ वह देखती रहती है जिस रास्ते से होकर के उसको इंतजार है कि इस रास्ते से उसका प्रिय आने वाला है। तो भोर से लेके सांझ तक वह उस जंगल की तरफ लगातार देखती रहती है, निहारती रहती है। आगे बात समझ में? बावरी ने कुनहारती, बावरी कहते हैं दीवानी को, वह दीवानी नेकू नहारती, जरा भी थकती नहीं है, जरा भी हारती नहीं है, भोर से लेकर सांझ तक टकटकी लगाए वह उस रास्ते की तरफ देखती है जिस रास्ते से उसके प्रिय के आने की प्रतीक्षा है, जिस रास्ते से उसके प्रिय आने वाले हैं। स्पष्ट है? अगली पंक्ति, सांझे ते भोरे लो तारनी ताकी वो, प्रतीक्षा की घड़ी लंबी होती जा रही है। यहां देखिए, भोर से सांझ हुई और सांझ से भोर हो गई, यानी कि रात से दिन और दिन से रात वह लगातार प्रतीक्षा में टकटकी लगाए
रास्तों को देख रही है, वह तारों को भी देख रही है। तारों को देख देख करके वह समय क्या कर रही है, बिता रही है। तारण ताकि वो, यानी कि अपनी आंखों में ही वह रात समाप्त कर देती है, उसकी आंखों को जरा भी विश्राम नहीं है। तारणी सौ एक तारण तारती, और तारों को तो देखती है, अपनी निगाहों को एक पल के लिए भी उस रास्ते से नहीं हटाती है जिस रास्ते से उसे उम्मीद है कि उसके प्रिय आने वाले हैं, उसके भगवान आने वाले हैं। यह विलक्षण प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम में समर्पण की पराकाष्ठा है, जहां आप इंतजार को ही जीवन मान लें। ठीक है कि वो कहते हैं ना कि मत पूछ कि तेरे इंतजार में क्या किया, कभी एक समा जला दिया, कभी एक समा बुझा दिया। तो नायिका जो है वह लगातार निरंतर उस रास्ते की तरफ टकी लगाए देख रही है जिस रास्ते से उसके प्रिय के आने की प्रतीक्षा है। आगे बात समझ में। फिर जो कहूं भावती तो दीठी पर घन आनंद आसुनी अवसर गारती। अद्भुत बात है यहाँ पे। भाव तो मतलब वह प्रिय जो आने वाला है, और दीठी दिखाई देना, दिख पड़ना। प्रतीक्षा करते करते एक समय ऐसा आता है कि वह प्रिय जिसकी प्रतीक्षा में उसने अपनी पलकें बिछा रखी हैं, रात दिन दिन रात लगातार वह टकटकी लगाए देखती है, वह उसको क्या कर देता है, दिखाई दे जाता है। वह प्रिय दीठी पर है, उसे दिखाई दे जाता है। और जब वह प्रिय दिखाई देता है तो वह इतनी भावुक हो जाती है, इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि उसकी आंखें जो है खुशी के आंसुओं से उसकी आंखें भर जाती हैं, और वह इतनी भावुक हो जाती है, उसकी आंखें इतनी भर जाती हैं आंसुओं से कि अवसर गारती, ठीक से अपने प्रेमी को, अपने परमात्मा को देखने का जो अवसर उसे मिला था, वह भी उसकी उसके हाथ से क्या होता है, निकल जाता है। यानी कि जब देखती है कि वह प्रिय आ रहा है, ईश्वर आ रहे हैं, तो वह इतनी भावुक और इतनी प्रसन्न हो जाती है कि उसकी आंखें लबालब आंसुओं से भर जाती हैं, और ठीक से खुली आंखों से अपने प्रिय को, अपने परमात्मा को देखने का अवसर भी चला जाता है। वाह रे अद्भुत प्रेम, जिसके लिए इंतजार किया सुबह से शाम, शाम से रात कर दिया, आज जब वह सामने आया तो इतनी प्रसन्नता हो गई उसे ठीक से देख भी ना सके। यह है विलक्षण प्रेम, यह है अद्भुत प्रेम। इसलिए घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। प्रेम में भावनाओं का जो उत्कर्ष है, उस उत्कर्ष की जो ऊंचाई है, भावनाओं के उत्कर्ष की ऊंचाई, समर्पण की जो ऊंचाई है, वह घनानंद में देखने को अद्भुत मिलती है। ऐसा अद्भुत कवि प्रेम का विरले ही कहीं मिलता है, विरल है ऐसे बिंब खोज पाना, ऐसे दृश्य खोज पाना विरल है कहीं और कविताओं में। और अंतिम देखिए, मोहन सोहन जोहन की लगी है रहे आखिन के उरे आरती। और मोहन जानते हैं कृष्ण को, सोहन सामने, और जोहन रास्ता देखना। ठीक है, तो लगिए रहे आखिन के उर आरती। ठीक है, और आंखों को, मोहन को अपने सामने ठीक से देखने की उसकी लालसा जो है वह अभी भी क्या हुई है, बनी हुई है। क्योंकि जब प्रिय आया तो उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी, वह ठीक से देख नहीं पाई। इसलिए मोहन अपने, मोहन अपने प्रिय, अपने कृष्ण को, सोहन अपने सामने, जोहन जिसका वो इंतजार कर रही थी, जिस कृष्ण का वह अपनी आंखों के सामने देखने का इंतजार कर रही थी, उसे ठीक से देख नहीं पाती है, और उसकी आंखों को उसे ठीक से देखने की लालसा अभी भी क्या रहती है, बनी रहती है। आगे बात समझ में। या आपका मैं कहना चाहते इस सवैया में प्रेम का जो उत्कर्ष है, प्रेम की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई का वर्णन किया है घनानंद ने, और बताया है कि कैसे प्रेम में समर्पित लोग दीवाने हो जाते हैं, बावरी। प्रिय के मिलने पे आंखें आंसुओं से इतनी भर जाती हैं कि प्रिय को ठीक से देख भी नहीं पाते, और फिर से उनकी आंखें एक बार तैयार रहती हैं अपने प्रिय को देखने के लिए। भोर से सांझ और सांझ से भोर की यात्रा वो अनवरत करती रहती है। वक्त कैसे बीत जाता है इंतजार में पता नहीं चलता है। आगे बस समझ में, स्पष्ट है। यह घनानंद का बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध सवैया है। इस सवैया में घनानंद ने विरह की पीड़ा का वर्णन किया है, और बताया है कि
प्रेम की जो सच्ची कसौटी है वह विरह ही है, और मछली और जल के बीच का जो प्रेम है और उनका सुजान के प्रति जो प्रेम है दोनों की तुलना की है, और बताया है कि सच्चा प्रेम विरह को सहते हुए जीवन जीना है, न कि अपने प्रिय से अलग होते ही जीवन समाप्त कर लेना, यह प्रेम नहीं है। इसी पूरे विषय पर यह सवैया टिका हुआ है, सच्चे प्यार की पहचान क्या होती है और विरह ही प्रेम की कसौटी है, इसी विषय को इस सवैया में उन्होंने प्रस्तुत किया है। चलिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इसकी व्याख्या करते हैं। चलिए पढ़िए। हीन भय जल मीने अधीन कहा कछु मोह गुलानी समाने, नीर सने ही को लाए कलंक निराश भगाए जागत प्राणे, रीति सुख समुझे जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे, घन आनंद जीव की जीवनी जाने ही जाने। बहुत बढ़िया। हीन भये जल मीन अधीन, मीन कहते हैं मछली को, जो कि किसके अधीन होती है, जल के अधीन रहती है। कवि ने कहा जल से हीन मछली, यानी कि जब जल समाप्त हो जाए तो जल से हीन मछली जो है वह क्या होती है, अपना प्राण त्याग देती है। हम लोग पढ़ते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन का पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो उस मछली को पानी से बाहर निकालते ही मछली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अर्थात वह अपने प्रेमी जल से बिछड़ने के बाद ही अपना जीवन क्या कर देती है, त्याग देती है, समाप्त कर देती है। कवि ने कहा कहा कछु मोह अकुलानी समाने, वह मछली जो है वह मेरी पीड़ा को नहीं समझ पाएगी कि विरह में मैं किस तरह से पीड़ा को सहता हूं। वह तो अपना प्राण त्याग देती है, और मछली के विरह की तुलना मेरे विरह की तुलना से नहीं की जा सकती है, क्योंकि घनानंद कहते हैं कि वह अपने प्रेम की विरह को सहते हुए तड़पते हुए जीवन जी रहे हैं, यानी कि प्रेम में विरह को जीना मुश्किल काम है, मर जाना आसान काम है। वह मर गया तो उसको विरह का तो पता नहीं चला। तो कवि ने कहा कि हीन भये जलमीन अधीन कहा कछु मोह अकुलानी समाने, कि जल के अधीन रहने वाली मछली जो जल से प्रेम करती है, जल से अलग होते ही मर जाती है, वह मेरी अकुलाहट को, मेरी बेचैनी को, जो मैं अपने प्रिय से अलग होकर जो सह रहा हूं, जो झेल रहा हूं, जो तड़प है मेरे भीतर, उस अकुलाहट को, उस बेचैनी को वो समझ नहीं सकती है। नीर सने ही को लाए कलंक निराश है कायर त्यागत प्राणे, नीर स्नेही यानी कि जल जो प्रेमी है किसका, मछली का, उसको वह मछली क्या कर देती है, कलंकित कर देती है, कलंक लगा देती है उसके ऊपर, कि उससे बिछड़ते ही मर जाना अपने प्रिय को क्या कर देना है, कलंकित कर देना है। और कहा निराश है कायर त्यागत प्राणे, कि प्रेम के विरह में निराश होकर प्राण त्याग देना कायरों की निशानी है। जैसे संयोग मिलन प्रेम का हिस्सा है, वैसे ही वियोग भी उसी प्रेम का हिस्सा है, और वियोग प्रेम की कसौटी है, सच्चे प्रेम की कसौटी है, कि आपका प्रेम कितना सच्चा है, कितना गहरा है, कितना समर्पित है, इसका पता वियोग की स्थिति में ही पता चलता है। तो कहा कि नीर स्नेही अपने प्रिय जल को वह क्या कर देती है, कलंकित कर देती है, और निराश होकर जो लोग अपने प्राणों का त्याग करते हैं प्रेम में वो कायर लोग होते हैं। यानी कि प्रेम में, प्रेम तो जीवन जीना सिखाता है, प्रेम तो जीवन को सौंदर्य से भर देता है, इसलिए प्रेम में मर जाना या प्राण का त्याग कर देना यह कायरता की निशानी है, यह सच्चे प्रेमी का गुण नहीं हो सकता है। आगे कहा प्रीति की रीति सु क्यों समुझे जड़, जड़ कहते हैं निर्जीव को, तो प्रीति की रीति, प्रेम की जो रीति है, प्रेम का जो भाव है, वह उसे जड़ मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता। जड़ क्या है, मूर्ख है, निर्जीव है, संवेदनहीन है, उसे नहीं पता चले जाएगा। मीते के पानी परे को प्रमाणे, लेकिन मेरे विरह को, मछली के
विरह को जड़ जल नहीं समझ पाएगा क्योंकि वह जड़ है, वह निर्जीव है। लेकिन मेरी जो पीड़ा है विरह में, मेरी जो तड़प है, उसको मेरा मीत, मेरा प्रिय, मेरी सुजान क्या हो गई, जरूर समझेगी, क्योंकि मेरा जीवन, मेरा प्रेम उसी के हाथ में। घनानंद कहना चाहते हैं कि मगर हम तो अपने प्रेम के हाथ में, अपनी प्रेमिका के हाथ में है। तो जल न जड़ है, वह न निर्जीव है, वह नहीं समझेगा मछली की तड़प को, लेकिन मेरी प्रेमिका सुजान वह मेरी तड़प को क्या करेगी, समझेगी, समझती होगी, ठीक है। और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है, मछली और जल के प्रेम की तुलना और मेरे और सुजान के प्रेम की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह जड़ मूर्खों का यह प्रेम है कि प्रेमी से अलग होते ही मर जाना, प्राण त्याग देना, यह कायरों और मूर्खों का काम है। मैं तो प्रेम मार्ग का धीर वीर और गंभीर पथिक हूं, सारे दुख सहते हुए भी, सभी वेदनाओं को झेलते हुए भी मैं अपने प्रिय के प्रति आशावान बना हुआ हूं। और कहा, या मन की जो दशा घन आनंद, जीव की जीवनी जाने ही जाने। मेरे मन की जो दशा है, ठीक है, घनानंद कहते हैं मेरे मन की जो दशा है, जीव की जीवनी, मेरे जान की जो जान है, मेरे प्राण जिस जहां बसते हैं, मेरे जीवन का आधार कौन है, जीव की जीवनी, मेरे जीवन का आधार कौन है, वह प्रेम है, वह सुजान है। वह तो निश्चित रूप से मेरी इस पीड़ा को, मेरे विरह के दर्द को, मेरी तड़प को अवश्य समझेगी। इसलिए मेरे प्रेम की तुलना मछली और जल के प्रेम की तुलना से नहीं की जा सकती है। आगे बात समझ में। घनानंद स्पष्ट तौर पे यहां बताना चाहते हैं कि प्रेम जीना सिखाता है, प्रेम जीवन के हर एक रंग में कुछ न कुछ सिखाता ही रहता है। इसलिए प्रेम टूट जाने के बाद जान त्याग देना या प्राण का त्याग कर देना यह कायरता है, यह मूर्खता है। और इस तरह का ख्याल भी मन में आए, कभी किसी के भी मन में इस तरह का ख्याल आए निराश होकर प्रेम में जीवन त्याग देना, तो बहुत ही निंदनीय है और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरह भी प्रेम का ही एक रूप है, विरह प्रेम की कसौटी है। और सच्चे प्रेम में विरह को सहते हुए जीवन जीना और आशावान बने रहना, यह सच्चे प्रेमी की निशानी होती है, यही कवि यहाँ कहना चाहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों।